कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या लगा वहां पे जो जीप आई, जो नाव आई, जो हेलीकॉप्टर आया, वो कहां से आया? मैंने ही तो भेजे थे, मैंने मौका दिया था तुमको कि तुम अचीव करो। सपने तो दर्जनों हैं, सपने तो दर्जनों हैं, पर हकीकत तो जनाब इस बात की है कि उनको अमल में कैसे लाया जाए। सपने तो हम सभी देखते हैं, मैं बात कर रहा हूँ उन सपनों की जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, जो एक टारगेट छिपा होता है, जिनमें गोल छिपा होता है, चाहे वो बिजनेसमैन का हो, चाहे वो एक स्टूडेंट का हो, चाहे कुछ जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे वो उनका हो, क्योंकि सपने पूरा करने के लिए अपना 100% डेडिकेशन देना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे और कुछ स्टूडेंट या फिर कुछ बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, कि सपने तो देखते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार, मैं बात करूंगा उन्हीं किस्मत के बारे में जो लोग बात करते हैं किस्मत के सहारे हैं हम, जो होगा सही ही होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मौके तो किस्मत से मिल सकते हैं लेकिन कामयाबी तो आपकी मेहनत से ही मिलेगी। तो कामयाबी मेहनत से ही मिलेगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने सपने देखे उनको मेहनत से पूरा करना होगा, 100% डेडिकेशन के साथ उनको अचीव करना होगा। गोल जो है सामने जो दिख रहा है ना, आप जो देख रहे हो कि सामने ये आपका गोल है, उसको पूरा करना है आपने 100% देके। तो उसी बात में एक बात बता दूं आपको, छोटा सा किस्सा है, वो बहुत जरूरी है आपको सुनने के लिए, क्योंकि जो मेरे YouTube फैमिली है उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जो है करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले, फिर एग्जाम कंडक्ट करने से पहले सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उन्हीं लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, तो मैं शुरू करता हूँ। एक गांव होता है, गांव में बाढ़ आती है, बहुत तेज बाढ़ आती है, तो गांव के सभी लोग क्या करते हैं, गांव को खाली करके सही जगह पे चले जाते हैं। लेकिन वहां पे एक मनुष्य होता है, एक इंसान होता है, जो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं गांव छोड़कर अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो उसके पड़ोसी आके उससे कहते हैं कि क्यों भाई, क्यों नहीं चलोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे भरोसा अपनी किस्मत पर, मुझे विश्वास है ऊपर वाले पर, मुझे कुछ नहीं होगा। तो गांव वाले समझाते हैं उसको कि चल भाई चल, वो नहीं जाता है। तो क्या होता है, गांव वाले चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहां पे एक पुलिस की जीप आती है, गाड़ी आती है, वो गाड़ी में से पुलिस वाले निकल के उससे कहते हैं कि भाई आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको सही जगह पर लेके चलते हैं, सुरक्षित स्थान पर लेके चलते हैं, जहां आपकी जान को खतरा नहीं होगा। लेकिन वो फिर भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भरोसा अपनी किस्मत पर, मुझे कुछ नहीं होगा। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद पानी का बहाव बढ़ता है, धीरे 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 पानी का बहाव बढ़ता है। तो क्या होता है कि उसके ग्राउंड फ्लोर पे पानी आ जाता है, वो सोचता है कि पानी बढ़ गया, तो अपनी पहली मंजिल पे चला जाता है, अपने मकान की जो पहली मंजिल होती है यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे वो चला जाता है। फिर क्या देखता है कि कुछ देर बाद एक नाव आती है पानी में तैरती हुई उसके पास। नाविक कहता है उसे कि आजा मेरी नाव में बैठ जा, मैं तुझे सही जगह पर लेके चलता हूँ, सुरक्षित स्थान पर लेके चलता हूँ, जहां तेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा, बाकी के सभी लोग भी वहां पर मौजूद है। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भरोसा अपनी किस्मत पर, मुझे विश्वास है ऊपर वाले पर, मुझे कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं ठीक है, तेरी मर्जी। वापिस चला जाता है नाव वाला, जब वापिस चला जाता है नाविक नाव को लेकर, तो क्या होता है कि धीरे धीरे पानी का बहाव और तेजी से बढ़ने शुरू होता है, पानी का बहाव और तेज होता है, तो उसकी पहली मंजिल जहां पर वो खड़ा था उस तक पानी आ जाता है। जब उस तक पानी आ जाता था, उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपनी छत पर चला जाता है, यानी कि अपने मकान के टॉप पर चला जाता। पानी तेज बढ़ रहा है तो वो मकान के टॉप पर पहुंच जाता है। तो फिर क्या देखता है, कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ उसके पास आता है। तो पायलट ऊपर से हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकता है और कहता है कि हे मनुष्य, इस रस्सी को पकड़ ले, हे इंसान, इस रस्सी को पकड़ ले और पकड़कर हमारे साथ ऊपर आ जा, हम तुझे सुरक्षित जगह पर लेके चलते हैं, एक सही जगह पर लेके चलते हैं, जहां तेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। वो कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे किस्मत पर अपनी तो पूरा भरोसा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो हेलीकॉप्टर भी वापस चला जाता है। फिर क्या होता है, पानी बढ़ गया, बहुत भयंकर स्पीड में आया और बहुत तेजी से बढ़ा, तो वो क्या होता है कि पानी के साथ बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो ऊपर जाता है, ईश्वर के पास जाता है, कहता है हे भगवान, हे ईश्वर, मैं तुमसे बहुत खफा हूँ, मैं तुमसे बहुत खपा हूँ। तो ईश्वर कहते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ, आप मुझसे क्यों खपा हो? तो कहता है
मुझे भरोसा था अपनी किस्मत पर, मुझे भरोसा था आप पर कि आप मुझे बचाओगे, लेकिन आपने क्या किया, आप नहीं आए, आपने मुझे नहीं बचाया, मुझे गलत साबित कर दिया कि मेरी किस्मत में कुछ बचना नहीं था। ईश्वर बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े ही खुश मिजाज से अच्छा सा जवाब और एक प्यारा सा जवाब उसको देते हैं कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या लगा वहां पे जो जीप आई, जो नाव आई, जो हेलीकॉप्टर आया, वो कहां से आया? मैंने ही तो भेजे थे, मैंने मौका दिया था तुमको कि तुम अचीव करो, आओ सुरक्षित जगह पे जाओ और अपनी जान को बचाओ, लेकिन आप नहीं आए। मेरा काम है मौका देना, मैं जाके तुम्हें गोदी में उठा के नहीं लेके आता, लेकिन जो मैंने भेजे आपको, वो मैंने मौका दिया था आपको कि आप सुरक्षित स्थान पर आ जाओ, लेकिन आप अपनी हद पे अड़े रहे और आप नहीं आए। तो दोस्तों, इस कहानी का सीधा सीधा शीर्षक यही है कि हमें ईश्वर मौके तो देता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पूरी उन्हें मेहनत के साथ पूरा ना करके उन्हें अधूरे आधे मन से करते हैं, जिससे कि हमें रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं मिलता है। इसीलिए जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, और जो सोचते हैं पेपर देने से पहले कि क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हम ये गोल पा सकेंगे, 100% तपस्या करनी पड़ती है। अपने आप को तपस्या करो, अपने आप को तप दो, मतलब कि इतना 100% डेडिकेशन दो कि आप जो कर रहे हो वो गोल सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए, जो सामने फोकस पर आपको गोल दिखा है वो सिर्फ आपके लिए बना है और आप उसको अचीव करेंगे, इस तरीके की आपकी मेहनत का लेवल ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं धीरे 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 नहीं, आप पता है IAS की तैयारी करने के लिए या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए छात्र 24 घंटे में से 20-20 घंटे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका टारगेट है, उनका फोकस है। और आप लोग चाहे पैरामेडिकल्स हों या बिजनेसमैन हों, सोचते हैं कि जो होगा 100% सही होगा, लेकिन नहीं, वो तब सही होगा जब आपका 100% डेडिकेशन हो। तो मेरे सभी छात्र और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देने आया था कि ये ना सोचो कि जो हो रहा है वो सही होगा, अरे सपने हैं आपके, उनको पूरा करो, और कहीं ना कहीं आपसे कुछ चूक होगी ना, तो जिंदगी भर आपको एक बर्ड आपको जीने नहीं देगा, आपको चैन से सुकून मिलने नहीं देगा, और वो है काश, काश हम ऐसी मेहनत कर लेते, काश उस समय हमें पता होता और अच्छे से करते। वो जो काश वर्ड को अपनी जिंदगी में कभी मत लाने देना और कभी ऐसा होने मत देना। अपना 100% लगा दो, पढ़ाई पे लगा दो, सब चीज पे लगा दो, अगर आप बिजनेस करना है तो बिजनेस पे लगा दो। थैंक यू दोस्तों, मेरा एक छोटा सा मैसेज था उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि जो हमारी किस्मत में वो हो जाएगा सही होगा, नहीं, वो मौका है लेकिन उसको आपने भुनाना पड़ेगा, आपने 100% देना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।